एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में गोकशी के मामलों में पुलिस की सख्ती और कड़ी कार्रवाइयों के बाद भी गोकशी का एक और मामला सामने आया है, जब एक मुस्लिम युवक तौफीक खान गाय के बछड़े का अवशेष लेकर के कोतवाली थाना पहुंचा, जहां पर उसने बताया कि उसका बछड़ा दोपहर से गायब था। जब उसे शाम तक वह बछड़ा नहीं मिला तो जानकारी मिली कि उसके बछड़े का अवशेष कसाई मंडी के पीछे पड़ा हुआ है, तो वह उसे लेकर के कोतवाली पहुंचा है और उसने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की जानकारी लगने के बाद हिंदूवादी संगठन कोतवाली पहुंच गए, तो वहीं पुलिस के द्वारा इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। इस मामले को लेकर के दमोह के एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने स्वयं मोर्चा संभाला और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उनका कहना था कि पुलिस के द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाइयां और बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं और अब आगे भी बड़ी और कड़ी कार्रवाइयां की जाएंगी। क्या कुछ उन्होंने कहा इस मामले को लेकर आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई है, एक व्यक्ति ने जो मुस्लिम समाज का ही है उसी ने रिपोर्ट करी है कि उसकी बछिया नहीं मिल रही थी, तो उसके संबंध में शायद उसके साथ कोई घटना हुई है, उसके संबंध में उसने रिपोर्ट करी। उसके बाद उसकी रिपोर्ट पर हम लोगों ने अपराध कायम किया है गोवंश प्रतिशत अधिनियम का और संबंधित थाना पशु अधिनियम और अन्य जो धाराएँ रहती हैं सब धाराओं की कार्रवाई की है और अज्ञात में एफ आई आर है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम था कौन व्यक्ति पिछले पूरे जाके कार्रवाई के लिए काम किया है। सर, युवक गाय का सिंह लेके आया था, गाय का सिंह लेके आया था। देखिए, वो जो गोवंश का मटेरियल है वो उसमें वो जाँच का विषय है, हम लोग जाँच करा रहे हैं, उसमें डॉक्टर वगैरह जाँच करते हैं। सर, लंबे समय से आप लोग रोकथाम नहीं कर पा रहे गौकशी की? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है, बहुत सारी कार्रवाई हुई है और अभी इसकी घटना प्रकाश। सर, तो कोई कार्रवाई ऐसी नजर नहीं आ रही है? देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने गौवंश अधिनियम पर की बहुत सी कार्रवाई की और अन्य अधिनियमों में भी, और हम लोगों ने जो अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ होती थी वो भी हमारे लोगों के द्वारा भी वर्तमान वर्ष के समय की गई है। यहाँ पर अतिक्रमण के तहत जो इलीगल अतिक्रमण जो ध्वस्त किए गए हैं यहाँ पर, और अभी अभी कोई फिर नई घटना प्रकाश में आ रही है तो हम लोग एस पर ला उसको कार्रवाई करेंगे। कुछ समय पहले पूर्व टीआई को भी यहाँ से लाइन अटैच किया गया था दूसरे थाने में, सर इसी गौकशी की मामले में किया गया था, जिसपे लाइन अटैच नहीं, उसके उनका ट्रांसफर दूसरे थाने में हुआ था और उनको आनंद के यहाँ पोस्टिंग हुई थी और कार्रवाइयाँ के द्वारा और कार्रवाई कर रहे हैं, आना यहाँ बने टी आई आए हैं और लगातार जा रहे हैं। सर, गाय के सर को एमएलसी के लिए भी भेजा है? वो बेटे जो जो उसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश कराई लॉ है उसके तहत कार्रवाई हो रही है, जो क्लियर होता है उस तरीके से कार्रवाई की जाए। सर, संगठन द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था एस पी ऑफिस में, उसके बाद आपने यहाँ की टी आई को वहाँ पर दूसरी जगह शिफ्ट किया था? देखिए, हम लोगों ने उस समय सख्त कार्रवाइयाँ की थी, उसके बाद हम लोग के द्वारा स्लाडर हाउस पर कार्रवाइयाँ हुई थी, हड्डी गोदाम भी हम लोगों के द्वारा तोड़ा गया, हम लोग के हड्डी गोदाम का जो कार्रवाई जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी वो विधि अनुसार की गई थी उनके द्वारा, और जो भी इस टाइप की बिजनेस में इन्वॉल्व थे उन पर हम लोगों ने सख्त कार्रवाइयाँ की थी, और ये आप इसकी बात कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ उस समय हुई थी, अभी वर्तमान में कोई घटना जो प्रकाश में आ रही है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें।